रुकेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। इन्वेस्टर्स मीट का विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर भी हमला बोला। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। मैं तो पहले बोल ही चुका हूँ, जो हमारे विपक्ष के लीडर हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जो गवर्नमेंट के खाते की ऐश परस्ती वो विपक्ष का लीडर है के कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो एलिजिबल है? कभी आप लोगों ने उनसे पूछा? उनके पास 23 MLA है। अगर उनको इतनी गवर्नमेंट की चिंता थी, अगर मुख्यमंत्री ने एक नियत दिखाते हुए उनको विपक्ष का लीडर बना दिया, वो इनकार करते भैया मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरे पास 23 MLA नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी घाटे में है। कभी आपको उनसे पूछना चाहिए जी। उनका दुष्प्रचार करने की आदत उनकी पुरानी है, पुरानी आदत है उनकी। जब वो अखबार में होते थे तब भी वीरभद्र सुखराम की सुभग्या सूत्रों से पता चला कहानियां लिखते रहते थे, दोनों को लड़ा लड़ा के मार दिया उन्होंने। तो इसी तरह से आज भी वो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी आदत है, ये आज की आदत नहीं है उनको। ये पहले से ही दुष्प्रचार करना, गुमराह करना, ये उनकी मुझे लगता है नेचर में है।